ऋषभानु महाराज, जो बरसाना के राजा थे, एक बार यमुना नदी के तट पर गए। वहां उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। एक कमल के फूल से सुवर्णमयी कांति प्रकट हो रही थी। उस कमल के भीतर एक सुनहरे रंग की छोटी बालिका थी, जिसकी सुंदरता करोड़ों चंद्रमाओं से भी अधिक थी। वृषभानु महाराज ने सोचा कि इस अद्वितीय बालिका को वह अपने घर ले जाएंगे। वृषभानु महाराज और उनकी पत्नी कीर्तिदा देवी ने बहुत दिनों से यह प्रार्थना की थी कि भगवान की संगिनी उनकी बेटी बने, लेकिन ये देखा गया कि वह बालिका न तो कोई आवाज कर रही थी और न ही उसने अपनी आंखें खोली थी। वृषभानु और कीर्तिदा देवी इस बात से चिंतित थे, लेकिन उन्होंने उसकी जन्मोत्सव की तैयारियों में कोई कमी नहीं रखी। इस खुशी के अवसर पर नंद महाराज अपने परिवार सहित उन्हें बधाई देने पहुंचे। नंद महाराज के साथ उनका एक साल का बेटा श्री कृष्ण भी आया। वह राधा रानी के पालने के पास जाकर खड़ा हो गया और उसमें झांकने लगा। जैसे ही राधा रानी ने छोटे कृष्ण की उपस्थिति को महसूस किया, उनकी आंखें धीरे धीरे फड़कने लगी और फिर पूरी तरह से खुल गईं, जैसे कमल खिल जाता है। ऐसा प्रतीत हुआ कि राधा रानी सिर्फ श्री कृष्ण को देखना चाहती थी, इस संसार में किसी और को नहीं। श्रीमती राधा रानी श्री कृष्ण की आनंद प्रदान करने वाली शक्ति है और उनकी सबसे महान भक्त भी। श्री कृष्ण सभी को आकर्षित करते हैं, परंतु राधा रानी इतनी महान है कि वह स्वयं श्री कृष्ण को भी आकर्षित कर लेती है।